पोस्टरों स्मार्के आंसू, पोस्टरों स्मार्के आंसू जा इमरान तलक प्रस्थान करो, कुलभूषण को रिहा कराओ, जंग का ऐलान करो। अगर सच कहना गद्दारी हो तो हुजूर गद्दार हूं मैं। मिट्टी के दीपक सी है ये जिंदगी, मिट्टी के दीपक सी है ये जिंदगी, तेल खात तो खेल खात। जिंदगी गुजर गई आते आते, अरे मंजिल तो मेरी यही थी, जिंदगी गुजर गई आते आते, अपनों ने ही जला दिया हमें जाते जाते। मेरे भाइयों और बहनों, मैं रितेश यादव की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं एवं सुप्रभात। आज हम सभी इस प्रांगण में एक विशेष अवसर पर उपस्थित हुए हैं, हमारे कोचिंग के छात्र और हमारे भाई पंकज निषाद, जिन्हें बोर्ड की परीक्षा में फेल कर दिया गया था। इस उनकी इस असफलता से हमें और इन कोचिंग सेंटर के सभी लोगों को बहुत ही दुख हुआ, और उन्होंने धैर्य का परिचय देते हुए दोबारा परीक्षा दिया और गणित में 99 नंबर प्राप्त करके इस क्षेत्र में टॉप कर दिया। उनके इस सफलता के साथ साथ हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि एक शिष्य की सफलता के पीछे एक गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। माता पिता की सूरत यह गुरु, वास्तव में भगवान की मूरत यह गुरु। वास्तव में गुरु का स्थान माता पिता और भगवान से भी ऊंचा होता है, क्योंकि माता पिता से हमें जन्म तो मिलता है, लेकिन जीवन जीने की कला, बनने की शिक्षा केवल हमारे गुरु ही हमें देते हैं। एक शिष्य के जीवन में एक गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। कामयाब होना तो हम सब चाहते हैं, लेकिन कामयाबी की उन सीढ़ियों पर चलना केवल हमारे शिक्षक ही हमें सिखाते हैं। एक शिक्षक चाहे तो अपने शिष्य का जीवन बना दे, और चाहे तो उसे बर्बाद भी कर सकता है। एक शिक्षक जो हजारों शिष्यों को जीवन में ज्ञान का उजाला भरता है और उन्हें शिक्षित करके अपने देश की रक्षा करने के योग्य बनाता है। आज हम उन सभी शिक्षकों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि चाणक्य ने कहा था कि एक शिष्य के जीवन में एक गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक शिष्य एक देश का भविष्य केवल उन देश के युवाओं पर ही निर्भर करता है। अगर उस देश के युवा शिक्षित और समझदार है तो अपने देश का नाम मान सम्मान ऊंचा कर देंगे, और अशिक्षित है तो अपने देश की भाग्य को मिट्टी में भी मिला सकते हैं। इसलिए हम उन गुरुओं और करते हैं जो इस देश के युवाओं को शिक्षित करके इस देश से रक्षा करने के योग्य बनते हैं। और इस देश के कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बेच देंगे सुमन, बेच देंगे धारा, बेच देंगे गगन, बेच देंगे कली, बेच देंगे सुमन, बेच देंगे धारा, बेच देंगे गगन, बेच देंगे कलम के पुजारी अगर सो गए तो, कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। पोस्टर उस्मा के आंसू या इमरान तलक प्रस्थान करो, कुलभूषण को रिहा कराओ, जंग का ऐलान करो। गद्दारों को भा नहीं सकती, गद्दारों को भा नहीं सकती चूल्हे का हथियार में। सच कहना गद्दारी है तो, अगर सच कहना गद्दारी हो तो हुजूर गद्दार हूं मैं। सांस चलने को जीना नहीं कहते, सांस चलने को जीना नहीं कहते, जब जख्म से लहू निकलने के बाद भी इनकलाब जिंदाबाद लिखता है ना, उसे जीना कहते हैं। लोग तमन्ना लेकर जीते हैं कि काश मेरे जिंदगी में भी शरारत की कोई शान आए, लोग तमन्ना लेकर जीते हैं कि काश मेरी जिंदगी भी मेरी वतन की काम आए, जब जिक्र हो शहीदों का तो उनके बीच मेरा भी नाम आए। जिंदगी में जब हौसला टूटने लगे तो एक बात याद रखना, जिंदगी में जब कभी भी हौसला टूटने लगे तो एक बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल किए हुए तख्त का ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में ही मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। जिंदगी ही करवाती है किसी से कठपुतली का खेल जनाब, जिंदगी ही करवाती है किसी से कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक सी है ये जिंदगी, मिट्टी के दीपक सी है ये जिंदगी, तेल खात तो खेल खात।
मैं जाते जाते केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर जिंदगी में कभी बादशाह बनने की सोचे हो तो अकेले चलकर बादशाह बनना सीखो, क्योंकि साथ चलने वाले लोग अक्सर धोखा ही देते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। और रितेश पांडे को, यानी मेरे तरफ से, सुशील सर की तरफ से, पांडे जी, इनको पांडे जी से प्यार से कहता हूँ, 100 रुपए का पुरस्कार है जो था, तो वो समझ करिए। जिंदगी को और एक शायरी बोलना चाहूंगा मैं, पुरानी शायरी है, गौर करिएगा। मंजिल तो मेरी यही थी, ध्यान दीजिएगा भाइयों, सभी लोग ध्यान देंगे, अतिथि का अभिनव कर सब लोग। मंजिल तो मेरी यही थी, जिंदगी की जगह ही आते रहते, अरे मंजिल तो मेरी यही थी, जिंदगी की जगह ही आते रहते।